मेरे करियर की पहली रीमेक है, मुझे 30 फिल्में हो गई हैं मेरी। लेकिन इस फिल्म को सिर्फ यू नो वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स और बहुत ज़्यादा चल गई, ऐसे यूजुअली रीजंस होते हैं लोग देते हैं कि कर लो यू नो सो। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि इसके बारे में मैंने ऐसी चीज़ें सुनी कि इसको ऑडियंस का बहुत प्यार मिला था, और कुछ लोगों ने कहा था कि कल्ट फिल्म है और दे वर वेरी अफेक्टेड बाय द फिल्म एंड यू नो इट वाज वन ऑफ देयर फेवरेट फिल्म्स। और जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, आई कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स, आई कनेक्टेड विद द फिल्म, इट स्टेड विद मी। ख़त्म होने के बाद भी मैं फिल्म के बारे में सोच रहा था, अगले दिन भी मेरे मन में फिल्म थी, उसके कैरेक्टर्स थे, उसके सीन्स थे। तो मेरी वजह ये फिल्म करने की ये थी दैट आई कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली विद द फिल्म। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये तेलुगु ऑडियंस ने इस फिल्म को देखा है और मुझे मौका मिल रहा है कि पूरे देश के ऑडियंस तक मैं इस फिल्म को लेके जा सकूँ, तो ये मौका मेरे लिए एक यू नो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और रोल भी ऐसा था कि एज एन एक्टर ऐसा लगा कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। एज मच एज आई एंजॉयड द ओरिजिनल परफॉर्मेंस, मुझे लगा दैट अगर मुझे भी ये रोल करने का मौका मिल रहा है तो एज अ चैलेंज मुझे इसको करना चाहिए और अपने आप को यू नो इसमें ढालने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए इसमें चॉइस ये होती है कि एक तरफ तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यू नो कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ उठा के हमने सिर्फ ज़बान बदल के डाल दी, क्योंकि दैट विल नॉट बी अ करेक्ट थिंग टू डू। आपको ऑडियंस को एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ अलग बनने के लिए, अपनी आइडेंटिटी लाने के लिए आप बेकार में ऐसी चीज़ें चेंज कर दो जो शायद फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो वो भी सही नहीं होता है। तो जो चीज़ें बहुत फिल्म के यू नो फिल्म के सब्जेक्ट की गहराई में जाके वो उस सब्जेक्ट का हिस्सा हैं, उनको रिटेन करते हुए उनको फिर से एक नए अंदाज में प्रेजेंट करना होता है। तो कोशिश ये थी कि वो बैलेंस रहे। अक्सर नेगेटिव क्या मैं डिसाइड कर लिया ये कबीर के कॉलेज के प्रिंसिपल आई थिंक ये आप सिर्फ 21 जून को जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बट कबीर आई थिंक हर इंसान में कुछ स्ट्रेंग्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। हम नानावासा परफेक्ट पीपल, वी नानावासा ब्लैक एंड वाइट और वाइट, वी ऑल हैव यू नो आर गुड क्वालिटीज एंड आर बैड क्वालिटीज, बट दैट डजंट मेक अस बैड पीपल। सो जो कबीर भी एंड प्रीति ऑल्सो फॉर दैट मैटर, आई थिंक वट एवर दे गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ, इट्स द सिचुएशन, माहौल ऐसा है, या फिर you know what's happening in their love story. There's no perfect love story either. You've been in love, I've been in love, all of us here have experienced it somewhere, but it's never so easy and so perfect, you know. And that's what the film, you know, that's why the film is so relatable and you can connect to it, because it is as it is in real life. ये आप डायरेक्टर से पूछो, ही थिंक्स इट्स लाइक अ मॉडर्न देवदास कॉम्प्लीमेंट। या यू टेल मी आफ्टर द रिलीज यू सी एंड यू टेल मी व्हाट यू थिंक। नो बट दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज़ देवदास एक क्लासिक फिल्म थी, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदमी की कहानी थी जो अपने प्यार को नहीं भूल पाता, और इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। तो कहीं अगर आप बहुत जेनेरिक लेवल पे देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ देर आर सम पैरेलल्स दैट यू कैन ड्रॉ, बट ऐसे तो यू नो लाइक दिस से कि देर इज़ नो स्टोरी विच हैज़न्ट बीन टोल्ड ऑलरेडी। हर डायरेक्टर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अलग नज़रिया होता है, उनका स्क्रीन प्ले अलग होता है, उनका कैरेक्टर स्केच अलग होता है, उनके डायलॉग्स अलग होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अलग होता है, कैरेक्टर का एटीट्यूड अलग होता है। तो यू नो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ओरिजिनल हैं और अलग हैं और नई हैं, शायद इसलिए मुझे फिल्म इतनी अच्छी लगी थी। लेकिन कैरेक्टर की कम्प्लेक्सिटी जो है वो डेफिनेटली इस फिल्म के अंदर है, और वही सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है मुझे ऐसा लगा इस फिल्म के बारे में, इस रोल के बारे में। थैंक गॉड यार, है ना, आई थॉट आई बीन थ्रोइंग थिंग्स एट यू राइट नाउ। Get into the character for both of you.
Well, that's what we do, no? That's our job, that we have to play different people who are nothing like us and try and create something which is fictional into making people believe that this is actually happening. I mean, that is what this job is all about. आपने उड़ता पंजाब नहीं देखी? नहीं, लेकिन ये बात कहना कि ब्रेकअप के बाद लोग ऐसी डायरेक्शन में चले जाते हैं सही नहीं है. किसी भी वजह में, इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, कभी कभी लोग क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं दोस्तों के प्रेशर में, तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से या लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं या कुछ और सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है वो फिल्मों के थ्रू दिखाना ज़रूरी है. इस फिल्म की कहानी जो है वो एक लव स्टोरी है और ये एक छोटा सा फेज है उस कैरेक्टर की लाइफ में. क्यों मैं अपने बच्चों के बीच में चूज करूं? आई लव बोथ ऑफ देम वेरी मच. चलो हेलो सर, मैं निगरानी टीम की कोच हूं. सर, हम जब स्टार्टिंग में आपकी अर्ली डेज की मूवी देखते हैं, चाहे वो बेमानी मोर हो, एक भी शो, तो उसमें आप एक रोमांटिक हीरो की तरह आते हैं, चॉकलेट की वाइफ की तरह. लेकिन तुझे भी मेरे अंदर चॉकलेट दिखाई देता है, हैं? मुझे लगा सिर्फ लड़कियों को ऐसा फील होता होगा, तुझे भी चॉकलेट दिखाई देता है. रिसेंटली कुछ सालों की मूवी है जैसे हैदर हो गई, तो मैं हैदर देखता हूं, तो उसमें वनीला हो गया, क्या हो गया? शाहिद कपूर देखता हूं, तो सर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको कितना मजा आ रहा है आप बताइए. अच्छा मजा आ रहा है बेटा. शाहिद, इन रियल लाइफ So the people who are killing people in movies, they kill people in real life, or what? How was the experience of being a difficult part to play, or alcoholic? In this film, he's an alcoholic. Yeah. Yeah, uski to promotion ho gayi hai. Kabir Singh ki promotion karte. Of course, you know, when you are playing a character which is so far away from something that you've experienced personally, it feels very scary. You feel, you know, it's like ominous, but. You have to challenge yourself and try and enter areas which are uncomfortable. If you keep doing roles where you're feeling comfortable, it means really you're not really doing anything new. You're repeating yourself. So only when you do a role which makes you feel uncomfortable and you feel unsure about how you'll do it, you know you're trying to do something different and original. And when it's so far away from your reality, that becomes the biggest challenge, you know. So it's a great opportunity. I'm thankful that people consider me capable of being able to pull off a role like this, and it's a great opportunity for me to discover something new as an actor within myself. Since I wrote the story, so there's a part of me, Kabir and Arjun. सवाल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप क्या पूछ रहे हो? कबीर सिंह में शाहिद नहीं दिखेगा, दैट इज माय होप कि उसके अंदर सिर्फ कबीर सिंह दिखाई दे. यू नो रिलीज से एक दिन पहले कोई 80 भी नहीं बोलेगा, 100 ही बोलेगा. Nothing is bad, man. I mean, it's a great opportunity. I'm getting to play a character which is so complex, it's so, you know, it's so flawed, yet it's so vulnerable, and there's so much pathos in the character. Why is anything bad? My job as an actor is to represent the life of a man. Whatever that man does has to become mine. So I cannot view it as good and bad. You know, there is no good and bad. It needs to be represented correctly. Are you missing the beard? Am I missing the beard? Sometimes I do this and I realize yeah, kuch hai nahin. So apart from that, I'm fine. By car. I sat in a car, it got me home. But when I've answered this again, why are you asking the same question? Ask something new, no? Hi. Jai Sindhi. So
I read somewhere that Shahid Kapoor and I had no idea that we will be ending up doing this Kabir thing. Yes. So may I know that please? Yes. So we had done a music video before that called Urvashi. I'm not sure if you've seen it. But at that time, someone asked me, was it a build up to the movie? And when we did the music video, we didn't know that I'd be cast in Kabir Singh. I don't even think Kabir Singh was happening at that time, so it was not out in the news yet. So yeah, that is in context. Thank you. कल को अगर मुझे ब्रेक मिलने वाला हो तो आज आपने खत्म कर दिया. अरे सिंगर थोड़ी है, क्या बात कर रहे हो. आवाज सुनिए कभी इनकी. हाँ अरे पहले आप सुनाइए, थोड़ा आप गा लीजिए, थोड़ा ये गा. नहीं नहीं आप गाना देखने के लिए YouTube पे जाइए या फिल्म में जाइए. अभी दो दिन में रिलीज होगी. थैंक यू. आपको कैसा लगा? कियारा जो है इस फिल्म के अंदर उन्होंने झंडे गाड़ दिए. और बुक के कवर पे कबीर है. बुक खोलोगे तो कियारा 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 कियारा. शी स्किल्ड इट. टुडे द मदर शुड बी दैट.